यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्रामीण डाक सेवकों की ओर से विधायक जय प्रकाश और रणदीप सिंह सुरजेवाला को ज्ञापन देने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हो रही। पिछले कई दिनों से ग्रामीण डाक सेवक कमलेश चंद्र रिपोर्ट के साथ सातवें वेतन आयोग को लागू कराने की मांग को लेकर कैथल के मुख्य डाकघर के सामने धरना दे रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अपनी मांगों को लेकर डाकघर के कर्मचारी राष्ट्रीय महामंत्री सुगंधी कुमार के साथ भी दिल्ली में बैठक कर चुके हैं, लेकिन बैठक में भी उनकी मांगों पर कोई हल नजर नहीं आया। धरने पर बैठे कर्मचारियों के काम न करने के लिए कैथल में डाक विभाग का काम पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि वो अपना संघर्ष लगातार जारी रखेंगे और 22 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी करेंगे। कल पूरा देश 2,17,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, और जब तक हमारी मांग ये कमलेश चंद्र रिपोर्ट लागू नहीं होगी, हड़ताल नहीं उठेगी। सर, हमारी सातवें वेतन आयोग को लेकर एक कमलेश चंद्र जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई गई थी भारत सरकार ने, तो सर अक्टूबर 2016 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। उसके बावजूद भी सर ये रिपोर्ट लागू नहीं हो रही। कभी पर्सनल एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट फंस जाती है सर, कभी लॉ डिपार्टमेंट में, कभी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में, तो कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री में। सर बड़ी मुश्किलों से सर जद्दोजहद के बाद हमने ये रिपोर्ट कैबिनेट तक पहुंचवाई है सर।